गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपिंदर सिंह फ्रॉम गुरानू पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल रही है। बच्चों, आप कल इंग्लिश का स्टार्ट किया ही, तो आप अपना हैडिंग लाया ही कल आप कि कुछ फाइव आप इंग्लिश के वर्ड लिखने आ जिन्ह का मीनिंग भी आप लिखना क्लीयर हो जाए तो कुछ सेंटेंस भी बनाए ही। कल आप दो किते ही, एक नेसेंट तो एक आप अपीज। नेसेंट का मतलब ही जदों कोई नवं नवं काम करिए नेसेंट वर्ड ना आपां नूं रिप्रजेंट करीदा। अपीज का मतलब हुंदा किसी नूं खुश करना, किसी की गल मनना। ये आपां कल कर चुके, तीन तीन सेंटेंस इन्हां दे बना चुके हैं। अज देखियो, अज अपना वर्ड आ गया थर्ड, ब्रीजन। ब्रीजन का मतलब हुंदा बेशर्म होना, शेमलैस होना जां बेशर्म होना, जां आपां कह सकते हैं शेमलैस होना। मैं कोई पंजाबी सेंटेंस लेके उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करता वा, जिदा मैं कहां वो बहुत बेशर्म है, जिदा मैं कहना हो वे ओहो बहुत बेशर्म है, तो इनू मैं किदा कह सकता वा ही इज सो ब्रीजन। ब्रीजन वर्ड का मतलब की है बेशर्म होना, तो मैं इनू ट्रांसलेट किदा कर सकता ही इज सो ब्रीजन। ठीक है, जब मैं होर कहना वे कुछ, वो बेशर्म आदमी मेरे पैसे देने नू तैयार नहीं है, ओहो बेशर्म आदमी मेरे पैसे देन लई तैयार नहीं है। तो इनू मैं किदा ट्रांसलेट करूँगा, जिदा मैं कह दिया ओहली, तो आप दैट वर्ड वरत लाँगे, दैट ब्रीजन मैन इज नॉट विलिंग टू रिटर्न माई मनी। मैं कहूँगा दैट बेशर्म आदमी नू, मैं कहूँगा ब्रीजन मैन, ब्रीजन मैन ना तैयार होना, नॉट विलिंग इज नॉट विलिंग विलिंग टू रिटर्न माई मनी, टू रिटर्न माई मनी। एक होर बना के वेने, जिदा मैं कहना वे थोड़ा वड्डा जिहा सेंटेंस बनाउणा वा, बेशर्मी नाल कीती जा रही करप्शन तो छुटकारा किदां पाईए। जे मैं कहना होवे बेशर्मी, बेशर्मी नाल कीती जा रही करप्शन, बेईमानी कह सकदा, करप्शन कह सकदा, करप्शन तो छुटकारा किवें पाईए, किवें पाईए। हुण इहनू मैं किद्दां लिखणा वा, आ पाईए जे इत्थे लिख लिओ पूरा प्रॉपर, इहनू मैं कह सकदा वा बेशर्मी ना कीती जा रही करप्शन तो छुटकारा किवें पाईए। हाउ टू गैट रिड, हाउ टू गैट रिड, रिड ऑफ द ब्रीजन करप्शन, ऑफ द ब्रीजन करप्शन। ठीक है, हुण थोड़ा जिदा मॉडर्न इंग्लिश करिया करो, जिदा मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड आ, जिदा शेमलैस तो सानूं पता ही बेशर्म आप कह दें, पर अज तो अपने दिमाग च एक वर्ड बैठ जाए ब्रीजन। ब्रीजन का मतलब हुंदा बेशर्म होना। जे तुसीं किसे नूं कहना भी वह बड़ा बेशर्म आ, ही सो ब्रीजन, भी जे आप किसी इदा कहने पे भी वह बेशर्म आदमी ने मेरे पैसे देने लिए तैयार नहीं है, दैट ब्रीजन मैन इज नॉट विलिंग टू रिटर्न माई मनी, तो एक आप करप्शन वाला इदा लिख लिया। नैक्सट फोर्थ वर्ड आ गया साढ़े कोल कैलस। इनू प्रोनाउंसिएशन यदि हैगी कैलस, कैलस का मतलब हुंदा बेरहम होना, बेरहम होना, बेरहम होना, जां आपां कह सकते हैं काइंड हुंदा दयालु, ते बेरहम पत्थर दिल कह सकते, जां अनकाइंड आपां कह सकते, अनकाइंड होना जां पत्थर दिल होना। हुण जे मैं कहां कि पत्थर दिल ना बनो, बेरहम ना बनो, कुछ भी मैं कह सकता वा, जे मैं कहना होवे बेरहम, बेरहम वरत लो वर्ड, जां पत्थर दिल ना बनो, ना बनो जां ना बन, तो फिर आपां की कहना होगा पंजाबी च देख लियो, पंजाबी च अपनी तुहाडी जिद्दां लिखना आउंदा तुहानू,
बेरहम ना बनो तो मैं इतने लिखना होगा डोंट बी कैलस, डोंट बी कैलस। कैलस का मतलब है अनकाइंड होना, पत्थर दिल होना, बेरहम होना। उस तो बाद जो मैं कहना होर आप कोई कह सकते हैं भी अब जे आप थोड़ा व्डा बनाइए भी लोग इन्ने बेरहम बेरहम हैं, लोग इन्ने बेरहम बेरहम हैं कि सड़क ते किसे कि सड़क ते किसे जख्मी दी मदद नहीं करते, जख्मी दी मदद नहीं करते। जिदा थोड़ा वड्डा सेंटेंस है नू किदा बना सकते हैं, लोग इन्ने बेरहम हैं आप कह सकते हैं पीपल पीपल आर सो कैलस। कैलस दिमाग च बिठा लियो पूरा, पीपल आर सो कैलस। कैलस इन्नी चीज की तो बन गई, फिर अगे की आ कि सड़क पर किसी जख्मी की मदद नहीं करते, दैट दे डोंट हैल्प एन इंजर्ड ऑन द रोड, दैट दे डोंट हैल्प एन इंजर्ड इंजर्ड ऑन द रोड ऑन द रोड। ठीक है, एक होर बनाने क्योंकि हर एक दे आपां तीन तीन बनाने पए, एक बनाने की कोशिश करते होर। जिस तरह आपां कहिए कोई सरकार वाला बनाने, सरकार दे कठोर रवैये ने बहुतियां नूं निराश किया है, सरकार दे कठोर कठोर हो गया, बेरहम हो गया, पत्थर दिल हो गया, ये सारे कैलस ना आपां रिप्रजेंट करने, सरकार दे कठोर रवैये ने बहुतियां नू निराश कीता है, नू निराश कीता है। इनू आपां किद्दां लिख सकते हैं द गवर्नमेंट्स कैलस एटीट्यूड, सरकार दे कठोर रवैये नू मैं लिखूंगा द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट्स कैलस कैलस एटीट्यूड, रवैया हो गया एटीट्यूड। हैज डिसअपॉइंट हैज डिस निराश करना ना डिसअपॉइंट करना, डिसअपॉइंटिड बहुतियां नू डिसअपॉइंटिड मैनी। ठीक है, कैलस भी क्लीयर हो गया। फिफ्थ फिफ्थ ते लास्ट साडा वर्ड आ गया रैटोरिक, रैटोरिक रैटोरिक रिटोरिक दोवें प्रोनाउंसिएशन एदियां करैक्ट होंदियां, रैटोरिक भी बोल सकते हैं एच भी बोल सकते हैं। रैटोरिक का मतलब हुंदा वा जिदा आपां कहना वड्डियां वड्डियां गल्लां करना, इनू आपां कह सकते हैं वड्डियां। पंजाबी दे विच तुसीं लैंग्वेज थोड़ा देख लियो, मेरे जिथे मिसटेक लगे खुद करैक्ट कर लियो, वड्डियां वड्डियां गल्लां करना। हुण इहदा कोई आपां सेंटेंस बना के वेहने आ, जिदा मैं कहना होवे ये सिर्फ गल्लां नहीं हन, भी मैं इत्थे पंजाबी च कहां ये सिर्फ गल्लां नहीं हन, ये सिर्फ गल्लां नहीं हन, भी बड़ियां वड्डियां गल्लां वा ये, भी मैं इत्थे इन्हां नूं वधावा दिंदा पिया, ये सिर्फ गल्लां नहीं हन। मैं कह सकदा दिस इज नॉट जस्ट द रैटोरिक, मैं कह सकता वा दिस इज नॉट जस्ट द रैटोरिक। रैटोरिक होर जे आप कुछ कहना हो, मैं कहना वे तुहानू वड्डियां वड्डियां गल्लां तो बचना चाहीदा है, जे मैं कहना होवे तुहानू तुहानू वड्डियां मैं इत्थे नी आ चीज़ पैंदी वड्डियां वड्डियां गल्लां तू बचना चाहिदा है। तो मैं इत्थे की कह सकता वा यू शुड अवॉइड द रैटोरिक, यू शुड अवॉइड द रैटोरिक।
ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਡਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦਾ ਰੈਟੋਰਿਕ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦਾ ਰੈਟੋਰਿਕ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੀ ਨੀਸੈਂਟ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ, ਅਪੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੇਜ਼ਨ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਣਾ, ਕੈਲਸ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋਣਾ, ਰੈਟੋਰਿਕ ਜਾਂ ਰੈਟੋਰਿਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।